ये मतलब छोटा सा स्टॉल है वो डाला जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मतलब रात को हम लोग ना बाहर घूमने फिरने के लिए निकले, लाइट ऑफ थी यहाँ पे ना हमारे सीन कुछ ऐसे के 8:30 से 11:30 तक लाइट जो ऑफ रहती है, तो उस दरमियान इंटरनेट भी ऑफ हो जाता है तो कुछ करने के लिए होता नहीं। तो हम मतलब जब से मैं कराची आया हूँ तब से घूम फिर लेते हैं 3 घंटों में। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं रात को निकले हुए थे बाहर, तो यहाँ पे ना एक मैंने शॉर्मे का स्टॉल देखा है, तो वो स्टॉल आप भी देखें जो पंजाब में हमारे तरह का शॉर्मे का स्टॉल नहीं होता ये, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव था मेरे लिए। तो मैंने देखते ही ना, खाना भी मैं घर से खा के आया हूँ लेकिन देखते ही मेरे से रहा नहीं गया और मैंने ब्रेक लगा ली। तो सीन्स चेक करें ज़रा, ये भाई साहब शॉर्मे का स्टॉल चेक करें, है कि नहीं सीन्स। ये यहाँ पे सबसे पहले जो है ना चिकन है, चिकन के बाद ये सॉसेज आ जाती हैं। अब जो जो भी हैं आप देखते जाएं, मैं एक एक करीब बारी करके इनका नाम तो लेने से रहा। तो फिर ये यहाँ पे आ जाती है चॉप कैबेज, फिर यहाँ पे गार्लिक मेयो, फिर ये उनकी स्पेशल वाली मेयो है, और फिर इसमें ब्लैक ऑलिव, फिर जो है ना ये ग्रीन चिली सिरका में डिप की हुई है, फिर चिली सॉस में आ जाएगी इनके पास, और फिर कैबेज, यहाँ पे पिकल आ जाएगा क्यूकम्बर पिकल, और यहाँ पे चॉप पिकल जो है ना वो आ जाएगा। तो अभी भाई जो है ना हमें शॉर्मा लगा के दिखाएंगे और खिलाएंगे भी, तो चेक करते हैं शॉर्मा लगता है कैसे और टेस्ट कैसा आता है वो भी आपको रिव्यू करके बताते हैं। चीज़ और जो मतलब मैंने कराची में देखी है, हम लोग तो ब्रेड बनाने का तरीका अलग है, इनका चेक करें ज़रा। ये अभी ब्रेड को लगाएंगे ये, और ये यहाँ पे से ना ऑयल फ्री जो है ना वो इसे बेक करेंगे हल्का सा। ये देखिए ये चीज़ जो है ना ये बड़ी डिफरेंट है, ऑयल भी कम और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हेल्दी भी हो जाएगा, अनहेल्दी भी कम रहेगा। जैसे हमारे वहाँ पे तो ऑयल में इतना डिप कर देते हैं ब्रेड को कि वो समझ नहीं आता शॉर्मा खा रहे हैं कि ऑयल खा रहे हैं। तो अभी जो है ना ये देखें बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है ना, ये देखें बड़ा बेहतरीन तरीके से बन जो है ना वो तैयार हुआ है। तो अभी जो है ना ये भाई देखें अभी चिकन जो तैयार हो गया है उसे काटेंगे और फिर हमें जो है ना वो खिलाएंगे। अपनी लोकेशन साथ शेयर कर दें, किस जगह पे ये खारादर पुलिस चौकी बुखारी मस्जिद के सामने, खारादर पुलिस चौकी बुखारी मस्जिद के सामने भाई जो है ना स्टॉल लगाते हैं। ये चिकन जो है ना चॉप किया जा रहा है, स्पाइसी नॉर्मल सा स्पाइसी लगाए आप पक्की बात है। ये सबसे पहले मायनीज जो है ना वो लगाई जाएंगी, फिर इसके ऊपर हल्की सी जो है ना चिली सॉस लगाई जाएगी, चिली सॉस लगाने के बाद सलाद जो है ना वो डाली जाएंगी। आप इसमें सबसे पहले कैबेज पिकल वो नहीं डालना पिकल क्यूकम्बर डाल दें, हाँ ये डाल दें पिकल क्यूकम्बर आ गया ये आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक ऑलिव, अच्छा मैं समझ रहा था ब्लैक ऑलिव है, ये तो चिकंदर है, हाँ चिकंदर, और अभी चिकन डाल के स्पेशल वाले जो है तैयार होंगे। अभी इसमें जो है ना ये साथ मेयोनीज के साथ ग्रीन चिली सॉस के साथ, ये ग्रीन चिली होममेड है नहीं गार्लिक है, अच्छा गार्लिक विद ग्रीन चिली इसीलिए उसका कलर नहीं है, नहीं इधर ही खाएंगे हम, ये एक हो गया हमारा। तो बाकी अभी खा के आपको दिखाते हैं कि क्या चीज है, दिखने में तो मतलब काफी जो है ना कम्फर्टेबल लग रहा है, तो अभी बस खा के चेक कराते हैं तो फिर बताते हैं आपको क्या सीन है। अभी दूसरा हमारे वाला जो लग रहा है वो जरा लग जाए आसन भाई का भी, तो फिर जो है ना खा के चेक करते हैं, वो ये सारा सेम प्रोसेस जो है ना रिपीट होगा। ये चिकन वगैरह डाल के ये चीज मेरे चीज शॉर्ट ये अभी गार्लिक मेरे पास खत्म हो गया यार, तो ये भी स्पेशल तो नहीं रहा ना फिर स्पेशल वाला, कोई मसला नहीं ब्रदर, नो इश्यू, वैसे उसका पार्ट जी ठीक है। अभी दिखाएं जरा, तो अभी खाएंगे और खा के फिर चेक करेंगे। ये ले असद भाई, आसिन असद भाई आसिन वाले आसिन स्पाइसी थोड़ा सा ज्यादा एज कम्पेयर टू पंजाब, हमारे वहाँ पे स्पाइसी इतनी नहीं खाए थे,
लेकिन कराची के अंदर स्पाइसेस जो है ना वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर दूसरे बाइट भी लेते हैं, एक बाइट में बंदा क्या ही बता सकता है। रियली जिस प्राइस पे है ना 120, तो इस प्राइस में इस लेवल का शवारमा पंजाब में मेरे ख्याल से नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे तो मजा आया है, बेहतरीन किस्म की सॉसेज और जो वेजिटेबल्स डाली होते हैं वो चिकन का भी टेस्ट अपना आ रहा है। अभी ना मतलब खाने शवारमा खाने के बाद ना हम वैसे निकले थे गोलगप्पे खाने के लिए, तो गोलगप्पे हमें मिल नहीं रहे। जहाँ पे भी मिले वो कराची स्टाइल में मिले, तो पंजाबी स्टाइल में ढूंढ रहा था मुझे वो मिल नहीं रहे। तो अभी हम लोगों ने यार इत्तेफाक किया कि चलो यार जो है वो खाते हैं, तो अभी हम लोग खाएंगे गोलगप्पे। तो गोलगप्पे बेसिकली हमारे जो है उसमें और कराची के गोलगप्पों में डिफरेंस है। हमारे वहाँ पे आलू का एक मसाला बनाया जाता है, आलू चने और प्याज टमाटर वगैरह मिक्स करके, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या है कि चने हैं बॉयल चने, उनको जो है ना गोलगप्पों के दरमियान फिल किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये अभी इनकी फिलिंग जो है ना वो चल रही है, ये फिल किए जा रहे हैं। अभी देखे ना इनकी मतलब चने फिलिंग करने के बाद ऊपर जो है ना मीठी चटनी डाली जा रही है, मीठी चटनी है ये जो है ना, ये मीठी चटनी डाली जा रही है ऊपर। मीठी चटनी डालने के बाद जो सही का रायता है वो डाला जा रहा है। देख आप देख सकते हैं कि पंजाब से टोटली जो है ना डिफरेंट प्रोसेस है। तो अभी हम इसे खाएंगे और फिर आपको बताएंगे, अभी खाते हैं और फिर बताते हैं कि क्या सीन है, क्या डिफरेंट है, डिफरेंस है इसमें और पंजाब में। ये कुछ इस तरह से ट्रे जो है ना वो लगाई जा रही है। ये अभी पानी जो है ना, पानी का कलर जो है वो जरा हट के है। हमारे वहाँ पंजाब में क्या होता है कि पानी के अंदर टाटरी जो है ना वो ज्यादा मिकदार में डाली जाती है, लेकिन यहाँ पे इमली जो है ना वो ज्यादा डाली गई है। तो अभी चेक करते हैं गोलगप्पे को और फिर बताते हैं क्या सीन है। वैसा पानी लेवल का और ऊपर से जो थोड़ी सी मीठी चटनी और रायता, सबका जो कम्बिनेशन बन रहा है ना लेवल, मजा आ रहा है यकीन करें। और मैं काफी दिनों से ना मतलब सोच रहा था कि गोलगप्पे खाऊं, लेकिन बड़े दिनों के बाद आज जाके खा, तो गोलगप्पे खाते फिर मिलते हैं। तो गोलगप्पे खा लिए हम लोगों ने, गोलगप्पों का जो बैलेंस था ना खटास का और मिठास का लेवल, मजा आ गया यकीन करें। जो मैं चाह रहा था एक वीक से मैं ना मतलब गोलगप्पों की तलाश में था, गोलगप्पे खाना चाह रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं फिर। तो अभी जो है ना मतलब खा लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में मुलाकात थी किसी और टॉपिक पे, तब तक अपने भाई अच्छे काम को इजाजत, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।